और विचारों के 11 अध्याय पुस्तक का विमोचन हो रहा है। चलिए पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो विचारों के 11 अध्याय पुस्तक का विमोचन हो रहा है और तस्वीरों में देखिए मंत्री मिथिलेश ठाकुर बंधु तिर्की बैठे हैं, राज सिन्हा तस्वीरों में दिख रहे हैं, अंबा प्रसाद हैं, कई विधायक इस वक्त बैठे हुए हैं और विचारों के 11 अध्याय पुस्तक का विमोचन हो रहा है। हालांकि बाजार में पुस्तक के आने के बाद ही इस बारे में कोई जानकारी मिल पाएगी कि आखिरकार इन पुस्तकों में खास क्या है, किन मसलों पर किताब लिखी गई है। इरफान अंसारी आगे की फहरिस्त में बैठे हुए हैं। तो विचारों के 11 अध्याय पुस्तक का विमोचन है और विमोचन के इस दौरान विधायक माननीय विधायकों की उपस्थिति है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, सत्यानंद भोक्ता, तो तस्वीरों में सभी विधायक और सभी मंत्री इस वक्त मौजूद हैं। विचारों के 11 अध्याय पुस्तक का विमोचन हो रहा है। तस्वीरों में मुख्यमंत्री और इसके साथ साथ उनके ठीक आगे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, हफीजुल हसन, सुदेश महतो, आप सभी का इस पुस्तक लोकार्पण। तो विचारों के 11 अध्याय पुस्तक का विमोचन हो रहा है। उपस्थित हैं आप सभी का धन्यवाद है आपके आने का, धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन का उन्होंने समय लिया और इस पुस्तक लोकार्पण समारोह में पहुंचे हैं। स्वागत करता हूँ स्पीकर श्री रविन्द्रनाथ जी का, उन्होंने प्रकाशन किया और आपको बहुत धन्यवाद है क्योंकि शॉर्ट समय में इसके प्रकाशन के लिए इसका लोकार्पण हो रहा है। माने आरोग्य स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ वहाँ पे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, कुमार बंधु हैं और सभी सभागार से संबंधित हैं, सभी का धन्यवाद। लेखक विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो हैं। रविन्द्रनाथ महतो ने इस किताब को लिखा है जिसका नाम विचारों के 11 अध्याय है। विधानसभा के सभागार में विचारों के 11 अध्याय पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय रविन्द्रनाथ महतो जी, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर साहब, विधानसभा सचिव और विशेषकर आज यहाँ बलवीर दत्त जी, जिन्होंने इस किताब को रचना की है और प्रकाशक पीयूष गोयल जी और विशेषकर आज यहाँ उपस्थित माननीय सभी विधायक पत्रकार मित्रों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ अपनी ओर से। बाहर विचारों के 11 इस किताब का नाम है और 11 अध्याय इस किताब में है
और इस किताब को पूरा करने में राज्यपाल महोदय रमेश मिश्र जी का भी संदेश और शुभकामनाएं प्राप्त है और इस 11 अध्याय में जो मैंने अभी सरस्वती निगाहों से देखा है किताब इस किताब को मूलतः झारखंड का एक इतिहास को लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास हुआ है और देश का संविधान से लेकर हमारे देश के अग्रणी नेता अग्रणी अगुवाई करने वाले जो हमारे मार्गदर्शक रहे परम पूज्य महात्मा गांधी जी के विचारों को भी अंकित किया गया है साथ में हमारे इस देश की रीढ़ की हड्डी जहां आज के दिन में भी लगभग 80% लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं खेत खलिहानों से जुड़े हुए हैं और उन्हीं के बदौलत आज देश का इतना एक लंबा सफर तय किया जा रहा है साथ में शोषण गरीब गरीबी कैसे खत्म हो इस विषय पर भी इसमें चीजें लिखी गई हैं सामाजिक द्वेष कैसे समाप्त हो और देश के जो न्यायपालिका है जुडिशियल रिव्यू ऑफ इंडिया नीड फॉर बैलेंस अप्रोच ये कैसे समन्वय बने तालमेल बना रहे इस विषय पर भी रखा गया है बातों को झारखंड के संदर्भ में कुछ क्योंकि झारखंड विधानसभा हमारे माननीय अध्यक्ष के द्वारा इस किताब को हमको समर्पित किया गया है इसमें निश्चित रूप से कुछ बातें राज्य के विषय को लेकर प्राथमिकता पर होंगी भारतीय हॉकी महिला हॉकी के विषय में भी बातें रखी गई है जैसे कि आपको मालूम है कि अभी हाल ही झारखंड की कई बच्चियां सीमित संसाधन में न रखने का घर न खेलने का संसाधन न खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था और गरीबी गरीब परिवार से आने वाली ये बच्चियां अपना अपने साथ साथ अपने माँ बाप अपने समाज अपने वर्ग का नाम तो रोशन कर ही रही है अपना राज्य का नाम तो रोशन कर ही रही है बल्कि इस देश का नाम रोशन करने में भी इन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी कड़ी जोड़ी उसका भी जिक्र है साथ साथ में हम लोगों ने मुझे लगता है कि यहाँ बैठे सभी लोग एक ऐसी वैश्विक महामारी देखी जो महामारी कभी किसी ने ना देखी और पता नहीं शायद आगे भी देखने का ना मिले मौका ऐसे हम इस वर्ष प्रार्थना करेंगे कोरोना महामारी का भी इस किताब में चित्र है साथ साथ में हमारे संसदीय परंपराओं का भी
उल्लेख है। और जिस तरीके से भारत देश का गठन हुआ, भारत देश के अंदर राज्यों का गठन हुआ, पहले बड़े बड़े राज्य बने, फिर छोटे छोटे राज्य बने और राज्यों के अंदर छोटे छोटे प्रखंड बने, तो छोटे छोटे राज्यों की जो आवश्यकताएं हैं, क्यों पड़ती हैं, क्या जरूरत है, कई राज्य भाषा को लेकर अलग हुए, कई राज्य अपने भौगोलिक दृश्य को लेकर, भौगोलिक व्यवस्था को लेकर अलग हुए, कई लोग, कई राज्य अपने अधिकार, अपने अस्तित्व की लड़ाई को लेकर, अपनी वजूद की लड़ाई को लेकर संघर्ष कर अपना एक अलग राज्य गठित किया, ये भी इसका जिक्र है। कुल मिलाकर के और साथ साथ में मौजूदा जो एक विकराल समस्या जो घटने का नाम नहीं ले रही, बल्कि वो निरंतर एक दत्तकार रूप ले रहा है। हालांकि उस विषय पर आज देश दुनिया में बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कई एनजीओ के माध्यम से, कई संस्थाओं के माध्यम से, और वो है पर्यावरण का, ग्लोबल वार्मिंग का। इससे हम कैसे निजात पाए, ये दुनिया कैसे इस पर्यावरण को संरक्षित करे, चूंकि लगता है कि आज हम लोगों ने विकास की लकीरों को इस तरीके से खींचना प्रारंभ कर दिया है जहां हम खुद से अपने अस्तित्व को खतरे में डाल रहे, चाहे यहां के नदी नालों को समाप्त होने की बात कहें, चाहे जल जंगलों को समाप्त करने की बात करें, और इसका बदलता हुआ स्वरूप अगर हम देखें तो हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम झारखंड को ही देखें। 80 के दशक से लेकर 90 के दशक के बाद से जिस तरीके से पर्यावरण में बदलाव हम देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से ये हम सभी लोगों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। मैं इसीलिए हमेशा इस बात के लिए लोगों को प्रेरित करता हूं। आमतौर पर हम सभाओं में, बड़े बड़े कार्यक्रमों में हम अपने मुख्य अतिथियों को महंगे महंगे गुलदस्तों से सम्मानित करते हैं। हम ये परिपाटी बनाए कि अब हम गुलदस्ता का परिपाटी खत्म कर उन अपने अतिथियों का स्वागत पेड़ से करें, अच्छे पौधों से करें। एक अतिथि अगर 50 जगह जाता है और 50 जगह पेड़ मिलता है, 50 में 49 पेड़ों के फेंक देता है, अगर एक ही पेड़ बचा ले तो यह भी बहुत बड़ा क्रांति हो सकता है। इसलिए इन सब चीजों का भी इसमें संग्रहण किया गया है, और मैं उम्मीद करता हूं विचारों की 11 अध्याय आदरणीय रविन्द्रनाथ महतो जी द्वारा प्रेषित हम सब लोगों के लिए, इस राज्य के आम जनमानस के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, और हम अपने विचारों में भी
इन विषयों को समाहित करते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरी ओर से आज के इस पुस्तक के विमोचन में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पुस्तक विचारों के 11 अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, और निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा आदरणीय श्री रविन्द्रनाथ महतो जी के द्वारा लिखित ये पुस्तक विचारों लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।